गाइस हो क्या रहा है, ये वाली अलमारी जो है ना, ये किताबों वाली अलमारी है, इसको भी किचन में सेट करेंगे हम लोग, क्योंकि किचन का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है मामला, सामान ज़्यादा है, तो वहाँ के लिए मैं इस अलमारी को खाली कर रहा हूँ, और खाली करके यहाँ जो बॉक्स है ये इसमें डाल रहा हूँ सारी किताबें। फिलहाल बॉक्स को बंद करके घर ले जाएंगे और देखते हैं फिर इनको कहाँ लगा सकते हैं किताबों को, क्योंकि मेरी सारी बुक्स हैं। तो अभी के लिए अलमारी खाली करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि ये अलमारी अगर खाली नहीं करेंगे तो इस अलमारी को नीचे उतार भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत हैवी अलमारी और जीना जो है बहुत बहुत ही छोटा है, आप लोग देख ही चुके होंगे, नहीं तो अब देख लेंगे। तो ये भी है, अब हमारे यहाँ पत्थर घिसाई वाले कुछ लोग मंडे हुए हैं, उनकी मदद से मैं ये उतार लूँगा। और थोड़ा सा आज एक दो ऐसा काम हो रहा है, मतलब बहुत काम फैल रहा है, काम समेटना भारी हो रहा है, होता ही है यार इतने बड़े घर की शिफ्टिंग और इतना सारा काम एकदम। और अब लोग हम लोगों का ये हो रहा है कि कुछ दिन हमें रेस्ट मिल जाए, बिल्कुल कुछ भी काम ना करना पड़े, हम आराम से सो सकें, कुछ काम ना हो, हमें बिल्कुल खाली हो, क्योंकि इतने ज़्यादा हम थक चुके हैं काम कर करके, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है हम लोगों के लिए। देखो मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी होगी, टाइम ही नहीं मिल रहा कि सेविंग वगैरह करा है। तो चलिए कर लेते हैं अपने काम ख़त्म, फिर मिलेंगे आप लोगों से। इतनी बड़ी अलमारी तो अकेला मैं ले जा नहीं सकता, तो मैं देखता हूँ अभी हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं लोग उनकी मदद से इसको मैं उतारता हूँ इस जीने से नीचे। देखो जीना कैसा है, ये पुराने ज़माने का जीना है, इससे तो मतलब एक आदमी भी, दो आदमी इस जीने को एक साथ नहीं चल सकते, इतना नैरो है ये, अड़ा हुआ है। देखो यहाँ से आप ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे उतर के जाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ये मिट्टी वगैरह को रोकने के लिए लगा रखा है। और ये देखो मालिक हमारे पीछे पीछे, चाहे कुछ भी हो जाए इनको तो बस हमारा साथ देना है। भाई जब मंडी तुम तो आले हो रहे, तसले वसले बाहर काट देना तुम हमारे से। बेटा कहाँ पड़ रहा पानी में तू बाबू? भाई साहब चाबी हमारी आप ही लेगी क्या अपने साथ? हाँ घर ही दे दी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सोचा कर आप ले गया हूँ। चले चले ठीक है भाई साहब, थैंक यू, ओके। तो बताते तो मैं उसे यहाँ लेता हूँ, तो बिजली आई रही थी करके जाता हूँ। तो कर तेरे ऊपर पत्थर ही लग रहा है सारे में ना, ऊपर तो टहल है, वो तो घिस कर चले गए पत्थर। हाँ अच्छे जिन्ने जिन्ने में ही बस दो बार करा। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है भाई, है हाँ मशीन ले गया ठीक है। अच्छी अजी राम राम, क्या हाल है जी? आ जाओ चिराग आ जा मरोड़ से। हाँ मैंने करी। हाँ जी राम राम, राम राम आज मरोड़ से राम राम। देखो देखो मरोड़ से करी कही, देख लो ये ना, ये मौका नहीं छोड़ते, मजा लेना कोई भी। चाट की बोल दी ऐसी, चाट की बोली। चिराग क्या हो गया? वकील साहब है। अच्छा वकील साहब कुछ नहीं, हम तो आपके बालक हैं। ये बात का ये फसवा होगा कहीं, हमने कहा मैं काहे को फसवाता था, मैं मारे का ये फसवा गया कहीं। लो तो तुम तो हर तरह घेरे हो, कहा क्या करे थारा, तुम नहीं छोड़ते घेरना कोई भी मौका किसी को। हर वक्त वो रखा है सामने की वीडियो वीडियो कैसी सूरज निकल गया, देखो कितना बढ़िया निकल रहा सूरज, देखो कितना बढ़िया निकल रहा। बढ़िया कहाँ निकल रहा अभी? बढ़िया तुम लिकट नहीं ना दे रहे। लिकटेगा कद को लिकटेगा हम पल को, अब खुल जाएगा अंदेशा है।
छब्बीस जनवरी पूरी होगी। कपिल नमस्कार भाई। हाँ भाई मैं घर ही हूँ यार अभी तो। हाँ भेज दे सामने को भेज दे बेटा। राम राम जी। हाँ डिब्बे रख कलर रुक जा इसे देख बेचारी को कितनी मेहनत कर रही है यार ये लड़की। हे भगवान तीन चार डिब्बे अपनी हाइट से ज़्यादा डिब्बे अपने वजन से ज़्यादा डिब्बे ले रही वजन के। देखियो उत तरीके में उत तरीके मेरे भी हाथ गिर रहे बेटा सारा लगवाऊँ कैसे। तू चोट ना लगवा लियो बता बेचारी काम वाली बना दी लोन जी हाथों ही बता भाई हद होगी भाई। तेरे से नाखून लगा गिरना चाहिए ए भाई ए पकड़ 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 प्रिया पकड़ 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 प्लेट स्लेट गिरी। जा रहे हैं गांव में बच्चों का जन्मदिन है आज दोनों का तो मैं और पाखी बस दोनों वहीं जा रहे हैं अभी और बस जन्मदिन जाके आते हैं। आप लोगों से ये हाथी से है ट्रक से और अरु और उसके लिए अरु के लिए गुड़िया ले लो गुड़िया घड़ी ले लो घड़ी। कपड़े तो बहुत हो रहे सर्दियों बच्चों का ना वो ले जाओ सर्दी जाने के लिए जाने के लिए वॉच ले बेटा वॉच किस किस के लिए ले गए तो क्या कह रहा मेरा चीज के लिए तो वो भी ट्रक से। हाँ अब उसके लिए अरु के अभी के लिए वॉच है। ये वॉच कितने कितने की भैया 50 रुपये की तो दो वॉच ले लें बेटा दो वॉच ले लें दो वे ट्रक से ले लें और तो फिर लड़ाई बच्चे बच्चे आपस में ये भी तो कह रहा सेम ही ले लो दोनों का बच्चे लड़ेंगे नहीं ना फिर इक्वल हो जाएंगे। बताओ गाइस यहाँ का लोकल मार्केट है यहाँ दुकानें बहुत कम है बहसुमा है ये जो लोग जानते होंगे तो वहाँ से हम कुछ खरीद रहे बच्चों के लिए तो और तो कुछ हमें मिला नहीं है सच बच्चों के हिसाब को रखते। फिर बाकी बोली पापा खिलौने ले लो हाँ ये अच्छा रहेगा तो हम लोगों ने खिलौने बच्चों के लिए खरीद रहे थे थोड़ा सा गिफ्ट के रूप में और क्योंकि शिफ्टिंग चल रही थी तो कहीं और जाने का समय भी नहीं मिला बस यही खरीद करके दो बच्चों के लिए गिफ्ट और हम ले जा रहे थे कि चलो बच्चे खेल लेंगे तो खुश हो जाएंगे और उन्होंने तो जाने के तुरंत बाद ही थोड़ी देर खोल करके उन्होंने तो खेलना शुरू कर दिया तो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगा जो पार्ट टू आएगा हमारे इसका। जो है लोकल एरिया एक जगह से दूसरी जगह सामान रखते रहते हैं वेंडर्स आते हैं जगह इकट्ठे होकर इसमें वही पार्टी को समझा रहा था किस तरह से चलता है। और यहाँ हम घर पहुँच गए थे तो हवन चल रहा था यहाँ पे बच्चों के जन्मदिन का तो बस हम पहुँच गए तो हवन में शामिल हुए जा करके तो चलिए बोलो भक्तों भगवान की जय बोलो धर्म की जय ओम माता की जय। तो चलिए गाइस वीडियो कर लेते हैं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोगों ने देखा कि हम बर्थडे में पहुंच गए थे और बर्थडे में काफ़ी इन्जॉय किया पाखी ने और हमने खूब मज़ा आया दो केक एक साथ काटे हुए आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा है ना। और रोड ना हमारे यहाँ का मतलब हम लोग निकले यहाँ से करीब करीब 1:30 बजे करीब और 1.25 घंटा में पहुँचने में लग गया जबकि हमें तो मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगते हैं क्योंकि पूरा रोड जो है पत्थर पड़े हैं रोड पे ना पूरा और बाइक बस नामुमकिन सा है मतलब बाइक चलाना इतना मुश्किल है। चले गए और वैसे भी पाखी को लेकर 2 दिन पहले चोट लगी थी आप लोगों को मालूम है तो डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि चोट चाट फिर से लग जाए और आते समय अंधेरा हो जाता है। जब गए फिर हमन का तो आपको पता ही है हमन होता है फिर उसके बाद केक वगैरह कटना खाना पीना सब में टाइम लगता है तो उधर से आए हम तो मुझे ये हो रहा था कि कहीं मतलब फिर से चोट चाट ना लग जाए फिर भी घर आते आते हमें अंधेरा हो ही गया लेकिन चलिए हम दूसरे रास्ते से आए फिर वहाँ भी रोड ऐसे ही है ख़राब हो रखा है कि ट्रक वगैरह चलते हैं बहुत उलट सुलट रोड हो रखे हैं अभी क्षेत्र में काम चल रहा है बहुत सारे रोडों पर
और उस दिन जो हादसा हुआ था उसके लिए तो हमने शिकायत भी कर दी है कि क्योंकि हम हमारे साथ तो हादसा हुआ ही था, हमारी दूसरी साइड रोड के पता लगा कि कोई और भी चीज़ को चोट लगी हुई है, तो उसके बारे में एक दो जगह हम लोगों ने कंप्लेंट डाल ली है। वो लोग कमिट किए हैं कि एक दो दिन में वो रोड को सही करवा देंगे, तो विल सी कि सही होती है नहीं होती है। चलिए वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और इस बर्थडे वाले व्लॉग का सेकेंड पार्ट जो है वो कल वाले वीडियो में आएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया था, मैं नहीं ऐड कर सकता था उसको। चलिए बाय।